मैं हूँ मिथिका दत्त और ये है फेक और नॉट, एक ऐसा शो जहाँ हमें लोगों को सच सुनाने के लिए भी इनामों का लालच देना पड़ता है। ना जाने ये कलयुग कब अकल युग में बदलेगा, तब तक के लिए मिथिका और इस 8 मिनट के एपिसोड से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में है 5 खबरें, आपको मुझे बताना है कि क्या है वो फेक या नॉट फेक। जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए दुनिया बदलते हैं। इंडिया के बच्चों को काउंटिंग सिखाने वाली, शादी वाले प्यार को फ्री में एडवर्टाइजमेंट देने वाली और हम सबको अपनी उंगलियों पे नचाने वाली माधुरी दीक्षित तो इतनी होलसम है कि उनके खिलाफ तो फेक न्यूज आ ही नहीं सकती की आ सकती है। कहा जा रहा है कि इनकी जिंदगी पर बायोपिक बन रही है और इन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी कर ली है। चलिए पता लगाते हैं इसकी सच्चाई। माधुरी दीक्षित अपनी बायोपिक बनाने के लिए प्रोड्यूसर से बातचीत कर रही हैं। फेक या नॉट फेक। अब माधुरी दीक्षित की लाइफ के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। क्या आपको ये पता है कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन शोबिज का बुलावा आते ही उन्होंने बीएससी को कह दिया बीएससी यू लिटिल बिट्स। सैडली मित्रों ये न्यूज है बिल्कुल फेक। सूत्रों के अनुसार ऐसी कोई भी बायोपिक नहीं बन रही है। माधुरी ने खुद सबको कहा है कि ये सब अफवाहें ना फैलाएं। उन्हें और बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बायोपिक होने में तो अभी बहुत टाइम है। अब ये बात भी सही है, इतनी जल्दी भी क्या है, माधुरी जी इज स्टिल यंग। जब तक पिक्चर नहीं आती आप एक काम कीजिए, माधुरी दीक्षित के इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ आपको उनका बायो भी मिल जाएगा और पिक भी। जमाना हुआ करता था जब एप्पल सिर्फ एप्पल यानी कि सेब हुआ करता था, लेकिन आजकल एप्पल फोन हो गया है, लैपटॉप हो गया है और इस एप्पल से डॉक्टर नहीं सिर्फ बैंक बैलेंस दूर रहता है। एप्पल का सबसे प्रसिद्ध लैपटॉप है मैकबुक और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है माइक्रोसॉफ्ट जो बनाते हैं विंडोज, और इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल वासेपुर की गैंग्स की तरह नोकझोंक से भरा रहता है। इस नोकझोंक के चक्कर में कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक मैकबुक नामक व्यक्ति को हायर किया है एप्पल का मजाक उड़ाने के लिए। इसी के बारे में है हमारा अगला सवाल। माइक्रोसॉफ्ट ने मैकबुक नाम के व्यक्ति को नौकरी पे रखा, फेक या नॉट फेक। अगर ये सच है तो ये तो बड़े अजीब किस्म का नेपोटिज्म हो गया। बाप के नाम पर तो लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन इस इंसान को खुद ही के नाम पे मिल गई। वाओ। और सोचिए अगर इस इंसान का नाम मैक है तो क्या इसके बाप का नाम महाराजा मैक है, फिर तो उन्हें बर्गर किंग जरूर नौकरी देगा। पर चलिए सच गूगल करके पता करते हैं, और गूगल के हिसाब से ये कहानी है बिल्कुल नॉट फेक। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एड में मैकेंजी बुक नाम आदमी को कास्ट किया ताकि वो एड के अंत में उनसे कहलवा सके यू शुड गेट अ सर्फेस ट्रस्ट मी आई एम मैकबुक। अब इंसान का नाम मैकबुक है ये जानकर मुझे हैरानी नहीं हुई। अगर एप्पल के सीईओ टिम कुक हो सकते हैं तो ये इंसान मैकबुक क्यों नहीं। हैरानी से बिल गेट्स के व्यवहार से हुई। बिल जी इंडियन इंजीनियर से एक बार पूछ तो लेते, आपके लिए वो अपना नाम बदल के मैकबुक या मैक्सी पैड्स रख देते। फ्रेंड्स फैक्ट चेकिंग में गूगल बड़ा काम आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल के नंबर वन होने से पहले एक जमाने में शम्मी कपूर का फेवरेट याहू सर्च इंजन मार्केट में नंबर वन था। और कहा जा रहा है कि उस समय याहू के पास गूगल को खरीदने का मौका आया और उस मौके पर वो चौका नहीं मार पाए। 1998 में याहू ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया था। फेक या नॉट फेक। अगर ये सच है तो आज भी याहू वाले मातम मना रहे होंगे, क्योंकि उनका तो हो गया डब्बा गोल और गूगल मारे जा रहा है गोल पे गोल। मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगी जिसने इस डील को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो रोज गूगल पे जाकर हाउ टू नॉट मेक मिस्टेक्स इन बिजनेस सर्च करता होगा। मगर मुझे तो लग रहा है कि ये है फेक न्यूज जो कोई फेल्ड स्टार्टअप का फाउंडर फैला रहा है। पक्का इसने किसी बड़ी डील का कबाड़ा कर दिया और अब लोगों को याहू वाली डील की दुहाई दे रहा है। सिर्फ मैं नहीं याहू ने भी यही किया था ब्रो। मेरी सेकेंड वाली थियोरी गलत है, क्योंकि ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। 1998 में गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल के ओरिजिनल अवतार पेज रैंक को याहू को बेचना चाहते थे। कीमत थी सिर्फ $1 मिलियन। दोनों फाउंडर्स कंपनी बेचकर अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहते थे। उस समय याहू वालों ने कहा आगे बढ़ो छुट्टा नहीं है। 2002 में फिर से याहू के पास गूगल को खरीदने का मौका आया। इस बार याहू ने नेगोशिएट जरूर किया पर 5 बिलियन पर गाड़ी अटक गई। गूगल और 5 बिलियन कभी नहीं। आज 18 साल बाद गूगल के मार्केट कैपिटलाइजेशन $500 बिलियन से ज्यादा है और याहू की $50 बिलियन भी नहीं।
अब यूजुअली यहाँ पर मैं याहू का मजाक उड़ाती, मगर जो काम किस्मत ने कर दिया उसे मिथिका को करने की क्या जरूरत। इंडिया में कई धर्म हैं, मगर सबसे बड़ा धर्म है ऑब्वियसली क्रिकेट, और इस धर्म के भगवान है सचिन तेंदुलकर। अब भगवान के इर्द गिर्द माइथोलॉजी तो बनती है ना, इसलिए आजकल खबर फैली है कि सचिन तेंदुलकर ने ओडीआईज में दुनिया की सबसे पहली डबल सेंचुरी बनाई। तो चलिए ढूंढते हैं सचिन का सच इस अगले सवाल के साथ। सचिन तेंदुलकर ओडीआईज में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, फेक या नॉट फेक? देखिए वो सब तो ठीक है, पहली हो या आखिरी, we love you सचिन, मेरे लिए तो आप स्माइल करते हैं तो भी सेंचुरी हो जाती है। और अगर ये न्यूज फेक निकली और सचिन के पास पहुंची तो वो जरूर कहेंगे आइला फेक। अब मैं बता ही दूं, ये न्यूज है बिल्कुल फेक। सचिन की पहली डबल सेंचुरी होने के लगभग 12-13 साल पहले किसी ने ओडीआई में 229 रन्स बनाए 155 बॉलों पे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो एक महिला थी। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में विमेंस वर्ल्ड कप में डेनमार्क को इतना धोया कि बेचारे आज तक किसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और इसी की वजह से लेडीज फर्स्ट एक्सप्रेशन की शुरुआत हुई। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना, वरना एक और फेक न्यूज बस्ट करने के लिए मुझे ही फैक्ट चेक करना पड़ेगा। इंसानों में 60% पानी होता है, मगर इंसान इंडियन हो तो वो है 60% अमूल, 15% घी, 15% दूध, 15% मक्खन और 15% अमूल की फेवरेट एड्स। सुनने में आया है कि अमूल ने दुनिया का लॉन्गेस्ट रनिंग एड कैंपेन भी चलाया है। क्या ये सच है या अमूल वालों ने गिनीस वालों को भी मस्का लगा दिया? बताइए मुझे इस अगले सवाल के जरिए। अमूल का एड कैंपेन दुनिया का लॉन्गेस्ट रनिंग एड कैंपेन है, फेक या नॉट फेक? शायद ये न्यूज सच्ची होगी, क्योंकि इंडिया के हर बच्चे के पहले शब्द माँ या पापा नहीं अटरली बटरली डिलीशियस होते हैं। वैसे ये न्यूज फेक भी हो सकती है, इस देश में वैसे भी काफी लोगों को अपनी लंबाई के बारे में झूठ बोलने की आदत जो है। तो चलिए कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, क्योंकि ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ, अमूल का ये कैंपेन, जिसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हुआ, शुरू हुआ था 1966 में और इसे क्रिएट किया था सिल्वेस्टर डकूना ने। इस कैंपेन में रोजमर्रा की बातें, न्यूज, पॉलिटिक्स पर टिप्पणी होती है जो अक्सर वायरल हो जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि न्यूज की जगह हमें इन एड्स को ही देखना चाहिए किसी मुद्दे को जानने के लिए। वैसे भी आजकल न्यूज चैनल्स पर न्यूज कम और एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है। और इसी के साथ खत्म होता है आज का फेक और नॉट। दुनिया बदली की नहीं वो तो पता नहीं, मगर अगर आपने सारे जवाब सही दिए तो आपका फ्लिपकार्ट बैलेंस जरूर बदला होगा। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए। कल मिलूंगी आपसे एक नई उम्मीद, नए कपड़े और नई खबरों के साथ। चलिए डायरेक्टर जी करते हैं कट, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मिथिका दत्त।